सवालों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। खैर बढ़ेंगे आगे। केंद्र और राज्य सरकार के बजट के बाद कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। प्रदेश में कई कर्मचारी संगठन आंदोलन की बात करें, इस कड़ी में आज जयपुर में अखिल राजस्थान महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ एकीकृत के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। गांधीनगर स्थित महिला बाल विकास के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगे। आंगनवाड़ी संगठन के महिला प्रदेश अध्यक्ष मधुबाला शर्मा का कहना है कि हम राज्य सरकार की योजनाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब बात हमारी मांगों की आती है तो सरकार हमें ठीक से मानदेय तक भी नहीं देती है। महिला बाल विकास कार्यालय के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है। गांधीनगर स्थित जो महिला बाल विकास कार्यालय है उसके बाहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय को लेकर अपना धरना प्रदर्शन जो है वो कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें मेरे कैमरा साथी पवन आपको दिखा रहे हैं। करीब 501 महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुई है और अपना मानदेय बढ़ाने की जो मांग है वो यहाँ पर कर रही है। मैं इस वक्त का एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारा एक तो वेतन आता है, वो दो भागों में आता है वेतन, तो एक साथ आए हमारा वेतन और हमारे को हमारे परमानेंट किया जाए और हमारे केंद्र पर जो पोसार आता है उसको भी बच्चा नहीं खाते। आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप जनता तक अपनी जनता तक सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंचाते हैं, लेकिन जब आपको सड़कों पर उतरना पड़ता है तो जनता जो सरकार आपका साथ नहीं दे रही है, क्या कुछ? हाँ सर, सरकार हमारे साथ में सौतेले वार कर रही है। कल के मतलब स्थायी कर्मचारियों को सरकार ने परमानेंट कर दिया, तो हम तो मतलब 30 से 40 साल हो गए देश में सेवा देते हुए, सरकार को कहीं भी आंगनवाड़ी कर्मियों का कहीं भी नाम नहीं आ रहा। हर मतलब बजट के अंदर है ना हमारा परमानेंट करना दूर, लेकिन हमारा मानदेय भी बढ़ाना उचित नहीं समझती है सरकार। सूचना ये भी आ रही थी कि बीच में आपको खदेड़ने की कोशिश की गई है, पुलिस द्वारा आपके ऊपर हल्का बल प्रयोग करने की कोशिश की गई है, क्या कुछ? हमको यहाँ बैठने के लिए मना कर दिया, बहने रात रात से यहाँ बैठी हुई है आई हुई है जो, लेकिन जो हमारे ऊपर अत्याचार है या हमारा शोषण हो रहा है उसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। ये बहनें बेचारी इतनी दूर से आई है, घर परिवार कोई अपने बच्चों को छोड़ के आई है, छोटे छोटे बच्चे उनको भी छोड़ के आई है, फिर भी इनकी सुनाई नहीं दे रहे। लेकिन जो महिलाएं 25 साल से 30 साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो विधवा है, तलाकशुदा है, कम से कम उनको तो मौका दे ना सरकार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है आपके नेतृत्व में, क्या कुछ आप कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगी कि सरकार उनकी जो जायज मांगे उनको मांग ले तो अच्छा है। महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना अच्छा नहीं है। इधर तो सरकार कहती है कि हम महिला ही तैसी हैं और इधर महिलाओं को रोड पे आने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार से ये कहना चाहूंगी कि इनकी मांगों को समय रहते मांग ले तो अच्छा है, वरना मुझे ये लगता है कि रात को मुझे यही माँ पड़ाव डालना पड़ेगा और महिलाओं को लेकर यही बैठना पड़ेगा। देखिए, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे मान लेती है तो वो अपना धरना प्रदर्शन यहाँ से खत्म कर देंगे, नहीं तो महापड़ाव के लिए ऐलान करना होगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ सचिन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।